संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय की नवीन बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त हालत में हो जाने पर छात्रों का हंगामा और कहा कि अतिक्रमण भी हटाया जाए। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन में बैठ छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता, करोड़ों की लागत से बनी संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय की नवीन बिल्डिंग में खींच हो गयी है दरारे, खिड़कियों के कांच टूटे, क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय का नवीन भवन। छात्रों ने कहा, कई बार प्रचार से लेकर स्थानीय प्रशासन को दिया ज्ञापन, लेकिन नहीं हो रही है कोई सुनवाई। शहर के शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के नवीन भवन में दरारें और क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है। इतना ही नहीं, 20 कीमती दरवाजे खिड़कियों की कांच फूट कर निकल गए हैं। वहीं लेट बाथरूम के दरवाजों की है ही नहीं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नवीन भवन, पुराने भवन क्षतिग्रस्त हालत हो गया। इतना ही नहीं, स्थानीय महाविद्यालय में सामाजिक तत्वों का डेरा भी लगा रहता है। इन सभी समस्याओं की मांग को लेकर महाविद्यालय के छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन के ढीले रवैये को लेकर नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम विजय राय भी पहुंच गए और उन्होंने छात्रों की समस्याओं का 3 दिन में निराकरण करने की बात भी कही। छात्रों ने बताया कि यह करोड़ों की लागत से बनी नवीन बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है, दरारें दिख रही हैं, तो वहीं सीमेंट पॉलिएस्टर भी झड़ने लगा है, जिससे छात्र छात्राओं को अब डर बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि नवीन भवन जिस वजह से बनाया गया था, उस पुराने भवन में अभी भी क्लास लगाई जा रही है और कार्यालय स्टाफ का कामकाज भी वही हो रहा है, और पुराने बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है।